लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भारतीय सेना ने बचाई पाकिस्तान के लोगों की जानें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारतीय सेना सरहद पर दुश्मन आए से देश और देशवासी आए की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवान आए की वीरता की जितनी मिसाल दे कम है। भारतीय सेना ने एक मिसाल पेश की जब उसने करीब 28 पाकिस्तान नागरिकों की जान बचाई। जिस तरह से हमारी सेना जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत कार्यों को अंजाम दे रही है, उसके बाद हर कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। जम्मू कश्मीर बाढ़ में सेना की ओर से करीब 47,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सेना ने मंगलवार को एक और मिसाल पेश की जब उसने करीब 28 पाकिस्तान नागरिकों की जान बचाई। सेना ने मंगलवार को नेपाल के राजदूत और उनकी टीम 28 पाक टीम के 28 सदस्यों के साथ ही सार्क देशों की गोल्फ टीम के 58 सदस्यों की जान बचाई है। साथ ही एक बार जम्मू कश्मीर के तंगधार में भारी बर्फबारी के बाद एक एम्बुलेंस 10,000 की ऊंचाई पर बुरी तरह फंस गई थी। उस एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला और बीमार बच्चे के अलावा 7 और लोग थे, जिन्हें सही सलामत बचाकर भारतीय सेना ने नई जिंदगी दी। श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में सेना ने 5 विदेशी पर्यटकों की जान बचाई। यह पर्यटक डच, अमेरिका और ब्रिटिश देश के हैं। यह सभी गुलमर्ग में राजा हट नामक जगह पर रुके हुए थे। अरुणाचल के भालुकपुंग में 18 जून को भूस्खलन हुआ था और यहां पर 10 घंटे से भी ज्यादा समय से कई लोग और कई वाहन फंसे हुए थे। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में आए भूस्खलन में 200 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है।